वर्ल्ड कप 2023 का 37वां मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ने तेज शुरुआत किया। रोहित शर्मा 40 रन और सुमन गिल 23 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच 134 रन की साझेदारी हुई। श्रेयस अय्यर 77 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक छोर से विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने करियर का 49वां एक दिवसीय शतक पूरा किया और भारत को निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 326 तक पहुंचा दिया। इस मैच में विराट कोहली 101 रन की पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे। इनके अलावा रविन जडेजा ने 15 गेंद पर 29 रन की आकर्षक पारी खेली। अब दक्षिण अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए 327 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन रविन जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के आगे दक्षिण अफ्रीका की एक न चली और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की टीम इस मैच को 243 रन से जीतकर वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 8वीं जीत दर्ज कर लिया है। इस मैच में रविन जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए।